नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक ऐसी घटना, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़, एक नई रचना रचने वाली घटना जो कि बागी विधायकों के रूप में गिनी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार, अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी परिभाषा खुद लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस परिभाषा के पीछे क्या पटकथा है, इस परिभाषा को आखिर किस तरह के किस आधार पर रखा गया है, ये अभी तक सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल की तरह, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उन 6 सीटों पर उपचुनाव घोषित हो गए हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि बागी विधायकों ने भाजपा का दामन थामकर अब वहां से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं, वोटर्स हैं, जनता है, उनके दिमाग में अलग अलग सवाल घूम रहे हैं। सभी लोगों की मार्केट के बीच में अगर बातें सुनी जाए तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा और अपना अपना बात उसमें निकल कर आ रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज बड़सर विधानसभा में पूर्व में विधायक रहे इंद्र लखनपाल जी को हमने इस चर्चा में शामिल किया, और आखिर लोगों के जो आरोप हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों का जो टिप्पणियां हैं, उनको लेकर पहली बार इंद्र लखनपाल जी आज कैमरे के सामने आए हैं, और इनके साथ में जनता की अदालत जिस तरह से होती है उस अदालत की तरह ही सवाल किए जाएंगे, और वो सभी सवाल जो जनता चाहती है, जनता उनके सवाल चाहती है, इनसे किए जाएंगे। तो आज आपको चर्चा में लेकर चल रहा हूं पूर्व में विधायक इंद्र लखनपाल, जो अब भाजपा का दामन थामकर भाजपा को आगे ले जाकर और अपनी जो समस्याएं इनकी, जो इनके कथानुसार कहीं ना कहीं हुई हैं, उनको आपके बीच में रखेंगे। तो चलिए मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं आज इनसे वो सभी सवाल जो आपके मन में कहीं ना कहीं बैठे। तो लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। धन्यवाद। और टोपी हरी से लाल हो गई, तो अब उसकी चर्चा बनती है। बहुत सारे पब्लिक के दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक क्वेश्चन करके लेकर चलूंगा, और आप ये समझ लीजिए कि ये आपका सबसे कठिन इंटरव्यू होने वाला है। इस जैसा इंटरव्यू आपका पहले ना तो पास में हुआ है और शायद भगवान से करेंगे भविष्य में कभी हो भी नहीं। और क्योंकि आप जुड़े हैं, जनता के लोगों के दिलों में रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं जनता के दिलों में हैं, और मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना तो जनता की तरफ से ना आपकी तरफ से करूंगा। सवाल तीखे जरूर होंगे पर मुझे लगता है वो आपके लिए आसान होंगे। सबसे पहले तो सवाल यहां ये आया कि आपने लालच में आकर पार्टी बदल दी, आपने पैसे खा लिए, लोगों का कहना है 10 करोड़ खा लिए, 15 करोड़ खा लिए, 20 करोड़ खा लिए, 30 करोड़ तक का भी आंकड़ा पब्लिक में जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह आता कि इतने पैसे आप रखोगे कहां? देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ना तो कोई लालच में गया हूं, ना ही कोई पैसा हमने खाया है। अगर अब देखिए, जब इस तरह के हालात जब राजनीतिक दृष्टि से बनते हैं तो लोगों लोग स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। हर व्यक्ति नहीं करता, चंद लोग जिनको अपना राजनीतिक स्वार्थ और हित साधना होता है जी, वो इस तरह की बातें चर्चा फैलाते हैं मार्केट के अंदर, ताकि व्यक्ति की छवि को खराब किया जा सके। अब आप बताइए रमेश जी, मुझे 40-45 साल राजनीति में हो गए, अगर पैसे का ही लालच होता तो मैं सत्ता क्यों छोड़ता? मुझे तो कोई ऐसा था नहीं कि सत्ता छोड़ देता और मुझे बहुत पैसा मिल जाता, और मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति 25-30 करोड़ रुपए कहाँ रखेगा? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, अपना शिमला में एक घर है, पुश्तैनी घर है, और यहाँ पर अभी तक मैंने घर नहीं बनाया, आपको पता है मेरा जी, है ना। तो इस प्रकार की बातें करना लाजमी तौर पर जो उठा रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जिस प्रकार से सुनते हैं लोग उस प्रकार से वो चर्चा का विषय बन जाता है जी। तो सबसे पहले तो मैं जनता के बीच में ये कहना चाहता हूं अपनी तरफ से कि आपके नुमाइंदे ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जी। अगर मैंने ऐसा काम किया होता तो शायद मैं जनता को फेस ना कर पाता। आज मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, लोग मुझे
कोई किसी नजर से देखता है, कोई किसी नजर से देखता है। कुछ लोग बधाइयां भी देते हैं, कुछ लोग रिएक्शन करते हैं, उनके चेहरे से पता लग जाता है कि खुश नहीं है जी। लेकिन अब ये तमाम बातें राजनीतिक उथल पुथल में जो पिछले एक महीने में हुई है, उसके लिए आखिर में दोषी कौन है? ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसको संभालना किसका काम था? जो मुखिया होता है परिवार का, उसको यही पता नहीं है कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है? लखनपाल जी, जनता का एक सवाल है कि इंद्र लखनपाल जी ये कह रहे हैं कि हमारे कार्य नहीं हो रहे थे। जनता ये जानना चाहती है कि ऐसे कौन से कार्य थे जो विधायक रहते हुए आपके नहीं हो रहे थे। देखिए रमेश जी, जब पिछली मर्तबा हमने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस समय बहुत सारे मुद्दे थे जो हमने विधानसभा के अंदर भी उठाए, विधानसभा के बाहर भी उठाए, और मैनिफेस्टो में भी वो चीजें डाली। सबसे बड़ा मुद्दा था आउटसोर्स कर्मचारियों का, कि उनके लिए हम पॉलिसी बनाएंगे, और करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां देनी थी बच्चों को, उसके बारे में बात चली थी कि वो बच्चों को नौकरियां देंगे। और साथ में जो हमारे एसएमसी के टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, उन सबके लिए पॉलिसियां बनाई जाएंगी। और स्वास्थ्य के ऊपर केंद्रित था, रहता था हम मेरा फोकस ज्यादा पूर्व में, और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार कहते थे कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे। और जब मैंने इसके बारे में चर्चा की उनसे कई बार कि हमें बड़सर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, और वहाँ का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करिए, और सिविल हॉस्पिटल बने बहुत समय हो गया, अभी तक उसका भवन नहीं बना, तो उन्होंने हर बात को टाल मटोल में निपटा दिया कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और अब जनता को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है जी। स्वास्थ्य सुविधाएं जब चरमरा जाती हैं, आप भी हॉस्पिटल में कई बार जाते हैं जी, और चैनल्स वाले भी वहां जाते थे कि अब विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं या सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो वो अटपटा सा लगता है। और कुछ लोग हमारे पास आते भी थे, अब जैसे कोई अब यहां से चलो बड़सर की बात, जब यहां बड़सर से किसी को रेफर करते हैं, ना तो यहाँ एम्बुलेंस का प्रावधान, और फिर जब वो हमीरपुर कॉलेज में पहुंच जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं, खासकर जो हमारी प्रसूता महिलाएं हैं, तो उनको नीचे सुलाया जाता है। और मैंने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कई बार चर्चा की, हेल्थ मिनिस्टर से चर्चा की, और विधानसभा में प्रश्न भी किया, तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हुए कि आप अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा में बोलते हैं। मैं उस वक्त भी उन्हें कहा कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि समय रहते इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि आप जिला हमीरपुर से मुख्यमंत्री हैं पूरे प्रदेश के, अगर आपके गृह जिला में ही अगर जो मेडिकल कॉलेज में ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसको आप देखिए, हमारे वहां पर सीटी स्कैन की मशीन कई बार खराब हो जा रही है, ठीक नहीं हो रही है 3-3 महीने, और 3-3 महीने 4-4 महीने लोगों को डेट्स मिल रही हैं, तो हार फार के आदमी कहाँ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, तो वो तो सीधा सा गोरख धंधा है कि पर्ची कटाइए। और मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने देखना है, बार बार अगर हम बोल रहे हैं हम डॉक्टर्स की डिमांड कर रहे हैं या और कोई डिमांड कर रहे हैं, तो हमारा ये थोड़ा ना कि अब देखिए, अब जो आज आधुनिक जमाना है उसमें जिस गति से तेजी से आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो उसकी बात थी। और तो ये तो स्वास्थ्य का बात थी। उसके बाद हमारी परिवहन व्यवस्था की, जब ये बसेज हमारी डाइवर्ट हुई, हमीरपुर से डाइवर्ट कर दी बसें बाया बिलासपुर कीरतपुर होके चंडीगढ़ के लिए, तो हमारी जो लॉन्ग रूट की बसेज थी जो हमारी उन्ना होके जाती थी बड़सर बाया बड़सर होके, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो गई, और उसमें हमें कोई उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आपने कोई निर्णय लेना है किसी प्रकार का, मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या असर हो रहा है जब मैं बोल रहा हूं, तो कम से कम अधिकारियों को और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको बात करनी चाहिए। और मैंने उनसे बात करी कि हमें ये दिक्कत आ गई है, अब हमारे जो लोग हैं जो चंडीगढ़ से आते हैं रात को भुट्टा में उतरते हैं, भुट्टा में भी वो अंदर नहीं आती बस बाहर उतार देते हैं, वहां से उन लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। वो सारी बातें थी जो हमने मुख्यमंत्री से शेयर की, परिवहन मंत्री से शेयर की, एमडी साहब से शेयर की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं कि जी वहां तो फायदा बहुत हो रहा है उस तरफ से एचआरटीसी को, तो अब लोगों को तो नुकसान, हमसे डिमांड करते हैं लोगों की सुविधाओं को लेकर, जो लोगों की सुविधाओं को लेकर आप पॉइंट उठा रहे हैं वो जायज पॉइंट है। उसमें गंभीरता से जब आपने
सोचना, आपके खुद के वक्तव्य में आपने कहा कि काफी समस्याएं हमारे मुख्यमंत्री साहब काम नहीं कर रहे थे, और जैसा कि आपने बताया कि आपके कौन कौन से काम नहीं हो रहे थे। पब्लिक का एक बड़ा कॉमन सवाल आप आजकल देखने को मिल रहा है, सुन रहे हैं, आपको भी शायद किसी ने बोला हो कि अभी समीकरण देखें हिमाचल प्रदेश में तो भाजपा की 25 सीट है और कांग्रेस की अभी भी 34 है। तो ऐसे में अगर 6 चुनावों में भाजपा के ही 6 के 6 जीत जाते हैं, मान लीजिए आप जीत जाते हैं, बाकी लोग भी जीत जाते हैं, तभी भाजपा की 31 सीट होते हैं, 34 नहीं होते हैं, 35 नहीं होते हैं। तो ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि भाजपा की सरकार आ जाएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और फिर आपके काम होने शुरू हो जाएंगे? नहीं देखिए रमेश जी, बात सरकार की नहीं है कि हमारा कोई ऐसी नियत थी कि हमने सरकार गिरानी है जी। वो तो इश्यू कोई नहीं था, इशू तो ये था कि जो हमारी रिजेंटमेंट थी वो हमने किसको शो करते जब कोई सुन नहीं रहा था। अच्छा, जो केंद्रीय हाईकमांड है वो सुनने को तैयार नहीं, उनसे बात, वो हमसे बात ही नहीं करते, आपके भी है तो हमारे तरफ देखते तक नहीं, नमस्ते का जवाब तक नहीं देना। तो वो तो हमारे को तो एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि हम इतने बड़े दल में और इतने सीनियर होने के बावजूद भी हमारे को इस तरह से उपेक्षित होना पड़ता है, तो वो एक बुरा सा मन को लगता था और अंदर ही अंदर हम घूरते रहते थे कि यार ये क्या, हम किस, इससे पहले भी सरकारें रही, वीरभद्र सिंह जी की सरकार भी रही, जयराम जी की सरकार भी रही, इतनी हालात तो उस समय भी खराब नहीं थे। तो ये नहीं हमारा कोई ऐसा कि हमने सरकार गिराने के लिए सारा प्रपंच किया या सरकार गिरानी है तब हमने ऐसा करा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो ना तो किसी विधायक से पूछे थे, वोट तो विधायक ने डालनी है ना जी, आपको कम से कम विधायकों से बैठ के चर्चा तो करनी चाहिए भी हमने कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है। अब केंद्र ने थोप दिया, चलो ये भी हम समझते हैं कि सेंट्रल हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, थोप दिया, लेकिन कम से कम वो हिमाचल तो लगाते आदमी। अब जो व्यक्ति हमारी तो उनसे सिंह जी से कोई दुश्मनी थोड़े है, वो एक प्रख्यात अधिवक्ता है सम्मान्य उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जी, और वो इतने बिजी रहते हैं कि वो हमारे स्टेट को कब टाइम देंगे। और सबसे बड़ी बात है जो वो वहां पैरवी करते हैं वो हमारे खिलाफ पैरवी करते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ पैरवी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप बताइए फिर ऐसे व्यक्ति को हम कैसे चुन सकते थे? वहां से इशू अराइज हुआ, जो क्रॉस वोटिंग हो गई, क्रॉस वोटिंग का भी कोई मुद्दा नहीं था कि हमें एक्सपेल करते, क्योंकि उसमें है ही नहीं है एक्सपेल नहीं, उसमें एंटी पार्टी डिफेक्शन रूल नहीं लगता जी। उसके बाद नेक्स्ट डे बजट पास होना था, हम लोग सदन में आए तो थोड़ा सो हल्ला गुल्ला किया बीजेपी के लोगों ने, तो माननीय स्पीकर महोदय ने हाउस एडजर्न कर दिया 12 बजे तक के लिए जी। तो हम 1:30 बजे तक बैठे रहे कि शायद 12 बजे आ जाएंगे, आए नहीं, आए नहीं। तो फिर हम 1:30 बजे हम खाना खाने चले गए। जब हम खाना खा ही रहे थे तो पता लगा कि बजट पास होके चले भी गया जी, और हमें जो है नोटिस सर्व हो गए कि आप लोग सदन में नहीं थे और आपको हम, मतलब इंटेंशनली ही आपने किया, वो हो गया। तो ऐसा ना, देखो जब एक प्रक्रिया होती है, जब हाउस एडजर्न होता है 12 बजे तक हाउस एडजर्न किया, तो उसके बाद माननीय स्पीकर को दोबारा आके लंच टाइम के लिए ब्रेक के लिए वहां से घोषणा करनी थी, वो हमने किया नहीं। फिर हम साहब सब चले गए नीचे, अब 15 लोग जो थे उन्होंने वहीं से अपने चैंबर से ही वो डिस्क्वालीफाई किया, वो सस्पेंड कर दिए जी, और 10 लोग रह गए बीजेपी के। तो वो वहां से ये सारा मसला और ज्वलित हो गया, और फिर जब आपने और आनंद फानंद में हमने सुनने का टाइम नहीं दिया, बजट पास करने के एकदम बाद उन्होंने नोटिस निकाला, और नोटिस निकाल के जो है वो एक दिन में नहीं दिया उन्होंने पूरा, कि हम अपने 45 सालों की सेवा है आपकी, उसको अचानक मतलब भूल जाना और अचानक आपको बाहर का रास्ता दिखा देना, क्या मन में कभी कोई रिग्रेट आता है? कभी मन में कोई गुलामी से? नहीं, देखो गुलामी से तो रहती है, अब इतने सालों से हम काम कर रहे थे और अच्छा काम चला हुआ था, लेकिन बीच में ऐसी घटनाएं हो गई जिससे हमें ये निर्णय लेना पड़ा। अब दुख तो होता है जो अपने घर छोड़ के जाते, मतलब दुख तो होता है। मतलब सुखू जी से ट्यूनिंग नहीं बैठी, या उन्होंने आपको कहीं इग्नोर किया है, या आखिर ऐसा क्या वजह हुई जो मुझे इग्नोर नहीं किया उन्होंने? अच्छा, वो सारे एमएलए के यही हाल है, सभी इवन की मिनिस्टर्स के भी यही हाल है, मुझे अकेले के मुझे इग्नोर थोड़ा किया,
नौ आदमी तो वैसे थे और भी बहुत सारे लोग थे। मार्केट में चर्चा आ रही है कि ये जो कहीं ना कहीं पॉलिसी, ये जो काम किया गया था, ये भाजपा के संपर्क में पहले से आने की वजह से आया है और भाजपा ने इस बात की रणनीति पहले तरीके से बना ली थी कि जब भाजपा के केवल 25 एमएलए थे तो किसी भी सूरत में वो राज्यसभा का आदमी खड़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता था वोटिंग ही नहीं है। ऐसे में उन्होंने खड़ा भी किया और वोटिंग भी करवाकर उसको जिताया। तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग पहले से आपके साथ चल रही है? वो उनकी सोच होगी, ऐसा सोच सकते हैं वो। किया आप लोगों के साथ कैसे संपर्क पे हमारा कोई नहीं, हमने तो अपने उससे नजरिए से वैसे ही वो किया। अब ऐसा क्या पता था कि सारे के सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। अच्छा, और वोटिंग हो गई और भाजपा से तो हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी। हाँ, उसके बाद जब एक्सपेल कर दिया हमें तो हमारे पास कोई चारा नहीं था, उसको तो भारतीय जनता पार्टी चले गए। नहीं, सुक्खू साहब ने जैसे कहा कि रात को मेरे साथ लंच कर रहे थे, हाँ, और सुबह अचानक वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, तो इसमें ऐसा क्या कि रात रात में कोई परिवर्तन हुआ? पहले से ही था, रात में कुछ नहीं मिलना था हमसे, पहले से प्लान हुआ है ऐसा। हमारे मन में तो पहले से था कि हमने करना है। तो आपने कभी अपनी पार्टी से बात की थी इस विषय पर? हमने कोई ऐसी बात नहीं की, किसी से बात नहीं की। अगर ऐसी बात करती तो ये घटनाक्रम क्यों होता? लखन पाल जी, लड़ाई उसूलों की है या विचारधारा की है? क्योंकि जहां पर कांग्रेस की बात करते, ये पब्लिक का बहुत बड़ा सवाल है कि जहां तक कांग्रेस की विचारधारा है वो एक अलग विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा एक अलग विचारधारा है, और शायद आपने भी अपने वक्तव्य में कई बार इस बात को बोला होगा, तो ऐसे में वो विचारधारा अब क्या मजबूरी की वजह से वहां पर मैच होगी? फिर सारे घटनाक्रम इकट्ठे हो गए। विचारधारा तो कांग्रेस की अब कोई रही नहीं गई। वर्तमान परिस्थितियों में आप पूरे देश भर में देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। आप देखिए, जब ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कंट्रोल नहीं है पार्टी के अंदर, ना अनुशासन है। अब लोग बोलते हैं जी कि हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी में। कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि मिल बैठ के बात की जाए और उसके बाद मसलों को सुलझाया जाए। आज सांगठनिक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत हाशिए पे चली गई पूरे देश में। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में। हमने भी आज 20-25 साल जो पहले पार्टी थी उसमें अब वो चीज नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं तो फिर आदमी को सोचना पड़ता है कि अब जो देश के भी तो मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक स्तर पर तो हम वैसे फेल हो रहे हैं हर मुद्दे पे, तो देश के जो मुद्दे हैं उनको, उन मुद्दों के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस सवाल पे आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल आता है, और क्योंकि आपने चर्चा की है तो उस पर वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है निकलना, पब्लिक को पता लगना चाहिए उस सवाल के बारे में। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब हाशिए पे खड़ी है कहीं ना कहीं, तो आप जब इतने सीनियर लोग हैं, 40-45 सालों का तजुर्बा लीडरशिप का आप लोगों के पास है, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं थी अब कि पार्टी को जो हाशिए पे जा रही है उसको रिकवर किया जाए वो लीडरशिप लाकर? देखिए रमेश जी, वही तो समस्या है। जो कर्मठ लोग हैं उनकी कोई पूछ नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर पूछे चापलूस लोगों की, जो चापलूसी करते हैं और हाईकमांड को भी हरा हरा दिखाते हैं और सरकार को भी हरा हरा दिखाते हैं। हम लोग सच्चाई बोलेंगे वो हजम नहीं होती लोगों को, ये समस्या है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चापलूसी वाली बात है, ये जो सारी बातें, क्या ये भाजपा में जाने के बाद बंद हो जाएंगी कि वहां पर जाकर चापलूसी नहीं करनी पड़ेगी? क्या वहां पर जाकर हाशिए पे जाकर बात हो गई? वहां का जो सांगठनिक ढांचा है ना वो बहुत डिफरेंट है। वहां पर इतना वो नहीं है कि जैसे हमारी पार्टी में है कि हमारे तो भीड़ चाल है जो मैं महसूस करता हूं। वहां पर भी कोई भी हमने नेता कोई भी बोलता है तो नरेंद्र मोदी जी की कथा गाने में पीछे इंडिया था, जिसे आपने भी कई बार अपने वक्तव्य में बात कही है कि वो नरेंद्र मोदी का ही एक कथा। मोदी जी अगर कोई कथा करते हैं और उनके नेता उनको गुणगान करते हैं तो उनमें तो देश हित की बात करते हैं ना, उसके साथ जुड़े होते हैं सवाल उनके जी, और उसके ऊपर संगठन को अलग से काम दिया होता है। और ऐसा नहीं है कि वो संगठन के, उनकी तो रिव्यू मीटिंग्स होती है समय समय पर जी, और संगठन को जो काम दिया होता है उसके ऊपर भी चर्चा होती है। हमारे तो संगठन को भी चर्चा ही नहीं होती है। मतलब आप भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो फर्क है, हाँ, अब वो ये रह गया है कि कांग्रेस जो है वो किसी मुद्दे पे अब चर्चा नहीं करती है, अपने लोगों का इग्नोर करती है, और भाजपा में जाकर सम्मान मिल जाता है। देखो, जो आदमी हर तरह का इंसान होता है पार्टी के अंदर, कोई बौद्धिक रूप से ज्ञानी होता है, कोई संगठनिक में अच्छा कर सकता है,
तो आज जो लैक है हमारी कांग्रेस पार्टी में वो यही लैक है कि वहां संगठन के नाम से कोई चीज अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। जी। ना तो वहां पे हमारा कोई विजन है। अब हम अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी को क्रिटिसाइज करती रहेगी, अनानी अडानी को क्रिटिसाइज करती रहेगी, उससे तो पेट भरने वाला नहीं लोगों का। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने युवाओं के लिए क्या करना है, उसके लिए आपकी पॉलिसी तो होनी चाहिए। वो पॉलिसीज कोई है नहीं। तो ये इस प्रकार की कई घटनाएं थी जो मन में थी। और जब राम मंदिर का इशू था जी, राम मंदिर हमारे देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ इशू था। जी जी। उस समय फरमान जारी कर दिया कि कोई अयोध्या नहीं जाएगा, उनको निमंत्रण दिया हुआ था। तो ऐसे फरमान से क्या होता है कि उससे जो हम आगे बढ़ रहे हैं कदम पीछे को हटते। ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपके विचार ये भी इसमें एक मूल रूप से कारण था। और जो इस प्रकार से वो कुछ देश के, जब हिंदू बोलिए हमारा देश है तो उनके बारे में कौन सोचेगा? आज क्यों भारतीय जनता पार्टी लोकप्रिय हो रही है? तो कांग्रेस क्या हिंदू कैटेगरी में नहीं आती है? नहीं, आती तो है, पर उनको ये फर्क महसूस नहीं करना आ रहा कि इसको हम डिस्क्राइब कैसे करें। डिस्क्राइब कैसे करें, है ना? पब्लिक तो आंसर करती है, क्वेश्चन करती है। आप कहीं भी चले जाओ, बात तो यही है कि जब आपने सुननी किसी की नहीं है, किसी से आपने विचार नहीं लेने, अगर विचार लेने तो उनके ऊपर अमल नहीं करना है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो हाई कमांड के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं अंदर। बहुत बड़े नेताओं से भी हमारी बात हुई, वो अपने को असहाय सा महसूस करते हैं। लखनपाल जी, एक पब्लिक का जो पहला सवाल सबसे पहले रहता था कि लखनपाल जी, हम बड़सर की बात कर रहे हैं 20 वर्ष में, ये अब बाकी होगी नहीं, बड़सर की बात। लखनपाल जी इतने योग्य नेता थे, लोगों का ये कहना था कि इतने योग्य नेता जो कि उनके चेहरे के आगे कोई चेहरा नहीं बन पाया बड़सर के अंदर। और हम भी जानते हैं पब्लिकली, हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जब से 2012 में आप आए उसके बाद में भाजपा को भी आपने कहीं स्टैंड नहीं होने दिया। और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बड़ा कारण था वो आपका व्यक्तित्व था, आपकी साधारण जीवन शैली थी और लोगों के बीच में मिलजुल कर रहना, लोगों के सुख दुख में खड़े होना था। ऐसे में लोगों का यह कहना है कि जब इंदर लखनपाल जी घुट रहे थे, आप एक मंच पे भी रोते हुए नजर आए कि आपने कहा कि मैं सारा पैसा लोगों में बांट आता हूं, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो एक व्यक्ति के लिए एक चैलेंज तो रहता ही है। ऐसे में जब आपके कार्य नहीं हो रहे थे या आपकी सरकार नहीं चल रही थी, तो लगभग 30,000 वोट आप विधानसभा में लेकर जीत के आए थे, तो क्या आपने ऐसे जरूरी नहीं समझा कि एक पब्लिक मीटिंग की जाए जिसमें 200-500 हजार 2-4 हजार लोगों को बुलाया जाए, और जब विरोध ही करना है तो फिर उस मीटिंग में सरकार का किया जाए ताकि लोगों का विश्वास बना जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा होता है जब सरकार सत्ता में होती है तो आप विरोध के ऊपर मीटिंग नहीं कर सकते, उसका भी गलत मैसेज आता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं, चलो वहां पर मेरी तरफ से कमी हो सकती है कि मैंने लोगों से पहले चर्चा नहीं की। लोगों को वैसे सब पता है कि काम नहीं हो रहे, लोगों को कौन सी ऐसी बात छुपी है कि काम नहीं हो रहे थे। कई लोगों से चर्चा भी हुई कई बार कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, उनमें दिक्कत आ रही है। तो लोग कई बार आ जाते थे, आप अपनी सरकार के समय में आप काम नहीं करवा पा रहे, तो हम यही कहते थे कि हो जाएंगे। मतलब कंट्रोवर्सी रही। अब कोई भी चीज इतनी बड़ी, अब कोई राज्यसभा का मेंबर चुना तो उन्होंने कोई मीटिंग थोड़ी ना की पहले विधायकों के साथ, 43 विधायक थे, 40 कांग्रेस के थे, 3 निर्दलीय थे। तो हाईकमान ने कौन सी बैठक की हमारे साथ, हमने ये कैंडिडेट देना आपको पसंद है कि नहीं है जी? ये तो मतलब कि चलो एक चर्चा का विषय होता है। अब जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ उनको क्या है, मेरे ऊपर पलटवार तो कुछ बोलना ही है, ठीक है? वो आपका पक्ष आप रखिए, पब्लिक की बातें मैं, मैंने पब्लिक अपनी जगह ठीक है जी, पब्लिक को तो मैं गलत नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी भावनाओं को ठेस लगी है, उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो मेरे जो मैंने जो किया वो किसी की भावनाओं के साथ खेलने के लिए नहीं किया। अब मैं और यही मैं आपको मैं कहना चाहता हूं कि चलो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया जी, और उस कैंडिडेचर को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। अगर मैं गलत होंगे तो जनता नकार देगी, ठीक होंगे तो जनता अपना लेगी, और यहीं से सारा ये लोकतंत्र का आधार है। अब वो जवाब तो रिजल्ट देगा डेफिनेटली। अब मैं अपनी तरफ से जितनी मर्जी सफाई देता रहूं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो किया, फलाना किया, पब्लिक भी कई तरह के, आम पब्लिक तो नहीं ऐसी बातें बोलती, लेकिन जो चंद जो राजनीति करते हैं पार्टियों से लोग इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनको चाहिए कि उनको हथियार मिल गया,
कि ऐसे समय में कि जो अब उनके ऊपर आरोप लगाए गए कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाएंगे, कुछ करेंगे, तरह तरह की बातें भी चर्चा में आएंगी, लेकिन आम व्यक्ति जो मेरी भावना थी अब वो रिजल्ट में सामने आएगी। लेकिन ये पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, आपने काफी चीजों को क्लियर किया है। जो लोग आपके अंगसंग रहते थे, आपकी कसम नहीं खाते थे, आपको अपना मसीहा बोलते थे, आपको अपना भगवान बोलते थे, आज वो लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे होता है जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो ऐसे अब जब इतने लंबे अरसे से सब साथ चले हुए थे, तो इंसान को तो यही भरोसा होता है कि ये सब मेरे साथी हैं जी, और इतने साल उनको मैंने कैसे अपने साथ चलाया मेरा दिल जानता है। उनको हर तरह से जो भी मेरे से हो सकता था उनके लिए मैंने करने की कोशिश की, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेहनत की। मैं ये नहीं नकार सकता कि उन्होंने मेरे लिए मेहनत नहीं करी, उन्होंने भी की, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जब हालात ऐसे पैदा हो गए तो उसमें चंद लोग ऐसे हैं जो मैं आपके पूछ ही रहे तो मैं बोल देता हूं जी, उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है जी। वो कुछ लोग तो ऐसे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को गालियां निकालते थे जी, हम तो नारे भी लगाए उनके खिलाफ, और नाम तो मेरा ही बदनाम हो गया ना, मेरे साथ चले होंगे तो लोग तो ये बोलेंगे कि शायद इसने बोला हुआ ऐसा करो जी, जी। जबकि हम तो ना किसी को बोलते हैं। कुछ लोगों की फितरत ऐसी है कि वो अपने को बहुत ज्यादा अच्छा बताने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। खैर चलो, ये होता रहता है, मेरे उनसे भी कोई नाराजगी नहीं। उन लोगों का कई बार ये भी कहना पब्लिकली रहता था कि हमने लखनपाल जी के ऊपर बहुत सारा पैसा लगा दिया है, आपने भी सुनी इस तरह की चर्चाएं सुनी है? मैंने बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि देखिए, जब हूं तो मैं भी इंसान ही जी, है ना, उन्होंने मेरी मदद की होगी उसमें, लेकिन जितनी उन्होंने मदद की होगी वो तो 20 गुना ज्यादा 100 गुना ज्यादा बता देते हैं। कोई बोल देते मैंने 1.5 करोड़ लगा दिया, कोई बोलता है मैंने 2.5 करोड़ लगा दिया। भाई आपने लगाया तो हिसाब तो दो, है ना, आप मुझे बताओ तो सही, आपने मुझे कहां से दिया, कितना पैसा दिया, कहां लगाया। अब इस तरह से मैं भी बोल दूं किसी की खराब मेहनत है, उसको इतना दिया, किसी को भी बोल रही है, मैं पलटवार ही बोल दूं कि मैंने उनको इतना दिया। ऐसे ये सारी बातें कुछ चंद लोग जो है वो एक जो होते हैं ना कि समाज के अंदर एक पैदा करनी है, सनसनी फैलानी है, उस तरह की बातें करते हैं। वो 4-5 लोग हैं और मुझे मालूम है, और उनमें से 2-3 तो ऐसे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, वो क्या बातें कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चलो ये उनकी उनका कर्म है, वो करते रहे, मुझे उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है। और समय रहते, अब ये इस समय जो है अपने और परायों की परीक्षा होती है, है ना। अब मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ आज भी मेरे साथ हैं, तब उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली कि हमने इतने लगा दिए। बहुत बड़ा है बरसात विधानसभा। हिमाचल प्रदेश सरकार का अभी जो सिनेरियो है, आप हालांकि अब विपक्ष में आ गए, आप मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या आधार लगता है ये 5 साल निकालेगी सरकार? देखिए, तो समय आने भी बताएंगे आपको, चुनाव के बाद बताएंगे क्या, लेकिन अभी आंकलन आपका घर में छुपी हुई बातें हैं सारी, है ना, और बहुत दूर की बात है। उसको अगर मैं वैसे ही बोल दूं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा होना नामुमकिन भी है और कठिन भी है। सर, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो यही संदेश है कि हाईकमांड के द्वारा मुझे आपका प्रत्याशी घोषित किया गया भाजपा का, तो मेरा सबसे आग्रह है कि वो सभी गिले शिकवे बुलाकर जो है कमल के फूल पर मोहर लगाएं और मोदी जी को हाथ सशक्त करें, अनुराग जी को भारी मतों से जिताएं। अभी कुछ चर्चाएं मैंने सुनी है कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जी पीएम और सीएम, पीएम एक वोट पीएम को एक सीएम को, ऐसे भी कुछ बीच में भीतरगती लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता जो है वो परिपक्व है, वो अपने हिसाब से देखती क्या करना क्या नहीं करना, तो जैसा जो जनता करेगी वो मंजूर है। पिछली बार जब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं आप, तो आपने बड़े मजबूत दिल से जिगर से आपने ये बात कही थी कि हम 20,000-15,000 वोट से जीतेंगे, और आप जीते भी। नहीं, अभी भी जीते हैं। इस बार आपका क्या? अभी भी जीते हैं मैं, आप देख लेना, आपके सामने अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। ये हमारी गुड विशेज है आपके लिए, और नहीं है हमारी। देखिए, जीवन में इंसान को हमेशा जीतने के लिए लड़ना चाहिए जी,
चाहे कोई भी खेल हो, राजनीतिक खेल हो चाहे कुश्ती का खेल हो, तो अगर मेरे को ऐसा डर होता कि मैंने गलत काम किया या मैंने पैसा का, अगर 25-30 करोड़ रुपए मेरे को मिल गया होता, मेरे क्यों चुनाव लड़ना था? आप बताओ ना। चलिए बंदों का विचार, लोग कुछ भी बोले, अब 25-30 करोड़ 10 करोड़ अगर इतना मेरे को मिल जाता तो मैंने कहा कि ये चुनाव में अपनी टांगे टूटाने की। हम तो सेवक लोग हैं, सेवा करते हैं लोगों की और दिल से करते हैं। अभी भी मैं कोई रुका थोड़े हूं, अपना काम करता हूं। नहीं, अब आपकी पारी नई नई पारी शुरू हुई है, जीरो से शुरू करी है। कहां पर उसका अंत होता है वो तो जनता बताएगी। कोई 3 कारण आपने बताने हैं जो आपको भाजपा में जाने के लिए मजबूर कर गए। भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर तो क्या करा था, जिस समय हम ये घटनाक्रम हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो सामने आया, उन्होंने हमारे को डप्ट कर लिया, उन्होंने डप्ट कर लिया हमको, हम चले गए। अब अगर जो हम, हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी हमें बहुत प्रलोभन दिए गए कि वापिस आ जाए, मंत्री बना देंगे, पैसा दे देंगे। अब देखिए जो लोग इस बात को बोलते हैं कि बिक गए, ईमान बेच दिया, तो वो हमारे ईमान को दोबारा से खरीदने की कोशिश कर रहे थे या लालच दे रहे थे कि आपको मंत्री बना देंगे, आपको हम पैसा दे देंगे। तो वो इस तरह की बातें भी तो चल रही है ना, वो लोगों को थोड़ा पता है ऐसी भी बातें होंगी। तो इस प्रकार से किसी के चरित्र पे लगाना राजनीतिक, उसमें आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं जी। लेकिन मेरी अपनी तरफ से कभी हम किसी के ऊपर चरित्र हनन का काम मैं नहीं करता।